जब बात आता है इन ट्रैफिक का, ओनली एसईओ से नहीं चलता कि ओनली लुक से नहीं चलता गाइस, दोनों एक साथ होना चाहिए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन टू रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट्स। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हिमांशु हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? सो गाइस, लास्ट टाइम मैं एक वीडियो बना था ब्लॉगर टेम्पलेट के ऊपर। ओके, दो वीडियो बना चुका हूँ, चेक कर लेना, चैनल में है। मतलब रिस्पॉन्सिबल एक फाइल डाउनलोडिंग साइट के लिए, एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट के लिए है, एंड एक बैकग्राउंड सीएसएस के साथ है, मस्त सा टेम्पलेट। ओके, तो बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं ब्लॉगर टेम्पलेट के ऊपर, चैनल में चेक कर लेना अगर पहले ये वीडियो देख रहे हो। ओके, सो एक्चुअली इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप SEO के ऊपर, ब्लॉगर SEO के ऊपर बेस्ड, प्राइमरी होगा SEO, देन प्राइमरी होगा PC, देन उसके बाद आएगा मोबाइल डिवाइस। ओके, तो मैं बेसिकली SEO के ऊपर एंड एक अच्छा सा लुक वाला रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। ओके, तो नाम है उसका रिफ्लेक्स CS ब्लॉगर टेम्पलेट। ओके, प्रीमियम टेम्पलेट है आप, तो चलिए देखते हैं कौन सा टेम्पलेट है, कैसे इस टेम्पलेट को यूज करना है, एंड इसका गूगल एनालिटिक्स में, गूगल इनसाइट में कितना इसका, कितने परसेंटेज आता है इसका, एंड SEO के हिसाब से स्पेस। तो जब बात आता है SEO का, तो पेज स्पीड सबसे मायने रखता है। ओके, आपका टेम्पलेट हाई स्पीड से लोड होना चाहिए, बिकॉज विदाउट स्पीड लोडिंग आपका गूगल में रैंकिंग ही नहीं आता। तो इसीलिए इस ब्लॉगर टेम्पलेट सुपर फास्ट है, आपको 90% से प्लस मिल जाता है लोडिंग स्पीड। ओके, तो चलो देखते हैं कितना स्पीड है। ओके गाइस, तो चलिए सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो चलो यार, इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, एंड बिफोर गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक, मोबाइल डिवाइस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, एंड आप देख सकते हो यार फर्स्ट लुक में क्या इंप्रेशन है इसका। आप देख सकते हो इसका CSS कितना अच्छा दिख रहा है यार, एंड देख सकते हो पोस्ट के नीचे कैसे सेंटर में आ रहा है, तो एक अलग फीलिंग देता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन वगैरह कैसे, ये जैसे प्लेस वाशिंगटन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नहीं पता नहीं, मैं दिखा देता हूँ जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कैसे एक वाशिंगटन कैसे पोस्ट आ रहा है, एलिगेंस कैसे पोस्ट का पोस्ट कैसे आ रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्स CS लिखा हुआ है, कैसे एक तो CSS है बैकग्राउंड में, एंड यहाँ पे एक नाइट मोड है स्पेशली, देख सकते हो यहाँ पे नाइट मोड ये इसका बेस्ट है, बिकॉज कहीं कोई भी टेम्पलेट में नाइट मोड ज़्यादातर कम ही देखने को मिलते हैं इतने अच्छे CSS SEO फ्रेंडली थीम में। यहाँ पे नाइट मोड भी है, देख सकते हो गाइस, मैं नाइट मोड ऑन ऑफ करके दिखा ही देता हूँ आपको। ओके, मैं नाइट मोड ऑन ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो कैसे पोस्ट आ रहे हैं, देख सकते हो। एंड ये देखो इसका गो टू टॉप बटन जो नहीं होता क्या, नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ ओके, दिख रहा है। तो देख सकते हो गो टू टॉप, यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर पोस्ट कैसे दिख रहे हैं, कैटेगरी कैसे दिख रहा है, अबाउट मी कैसे दिख रहा है, देख सकते हो कैटेगरी, यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट कैसे आ रहे हैं, देख सकते हैं गाइस कितना मस्त दिख रहा है। एक तो इनके ऊपर जो हवर इफेक्ट टाइप का आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये हवर इफेक्ट देख सकते हो कैसे आ रहा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो क्या कितना अच्छा टेम्पलेट है। एंड यहाँ पे फुटर के उन्होंने बहुत सारा जगह रख रखा है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, एंड मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं आराम से अपने हिसाब से। ओके, ये GUI इंटरफेस है, तो आराम से चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसे मेन्यू बार दिख रहा है, यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, टॉपिक के नीचे यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग है, ऑन विजिट, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, आपके हिसाब से कैटेगरी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का दे रखा है, आप भी सब्सक्राइब कर देना है, फिर कुछ और दे देना, मैं जस्ट डेमो के लिए सब्सक्राइब का दे दिया हूँ यहाँ पे। तो ये रहा इसका मेन्यू बार, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे क्लोज एंड ये आता है, देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे आता है, तो बहुत ही अलग टेम्पलेट है, कोई यूज नहीं करता, ऐसे डिफरेंट एक यूनिक टेम्पलेट है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देख रहे हो इसका डेट दिखा रहा है, पब्लिश डेट, कमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, तो मैं कोई भी पोस्ट को ऐसे क्लिक करता हूँ, कितना लाइट स्पीड लोड होगा, देखो कितना फास्टली लोड हुआ, देख सकते हो रिटर्न बाय ऑथर का फोटो आ रहा है, यहाँ पे ऑथर का फोटो आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टाइटल कैसे बड़े बड़े स्टाइल में ऊपर भी आ रहा है CSS में, एंड यहाँ पे कमेंट फॉलोअर्स का भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो टाइटल यहाँ पे भी आ रहा है, कैसे एक तो लाइट वेट में कितना सिंपली आ रहा है, यहाँ पे शेयर का बटन भी है, देख ही सकते हो आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, तो देख सकते हो कितना मस्त तरीके से दिख रहा है गाइस। ओके, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, दिखा देता हूँ आपको, वही सब दिखा रहे देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं नाइट मोड में भी दिखा देता हूँ आपको, कैसे नाइट मोड में व्हाइट करके से आ रहा है, नाइट मोड में भी देख सकते हो आप लोग, बहुत ही कूल दिख रहा है यार, बहुत ही मस्त तरीके से दिख रहा है आपको। ओके, नाइट मोड भी बहुत ही मस्त है, देख सकते हो यहाँ पे हवर इफेक्ट कैसा आ रहा है, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे होम चलते हैं, नाइट मोड को ऑन ऑफ कर देते हैं, ऑन ऑफ देख सकते हो ये रहा,
ओके तो देख सकते हो कैसा पोस्ट दिख रहा है गाइस। ओके तो चलिए पीसी में देखते हैं कैसा है इसका, लाइक पीसी में कैसा दिखता है। ओके तो चलो पीसी में चलते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है ये टेम्पलेट। सो गाइस वेलकम टू माय पीसी ओवर हियर। तो चलिए देखते हैं टेम्पलेट कैसा है। ओके तो मैं ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे, तो सीधे ओपन करते हैं। ओके देख सकते हो फर्स्ट लुक में यार कैसा दिख रहा है। तो रिफ्लेक्सियस ब्लॉगर टेम्पलेट यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर मेन्यू बार कैसे आ रहा है एंड एक बीच में एक एनिमेशन हो रहा है टैग पे, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टैग। मैंने जस्ट टैग दे दिया है, न्यूज़ वगैरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। जी वाई इंटरफेस है एंड यहाँ पे ऊपर है नाइट बार है, यहाँ पे देख सकते हो नाइट मोड ऑन ऑफ करने के लिए देख सकते हो कैसे नाइट मोड आ रहा है। ओके तो ये मस्त तरीके से दिखता है नाइट मोड। एंड ऐसे नीचे नीचे स्लाइड करते हैं कैसे पोस्ट आ रहा है देख सकते हो, पोस्ट के बीच में ये सेंटर से आ रहा है, ये सब लाइक टाइटल आ रहा है सेंटर पे। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड बार पे देख सकते हो यहाँ पे अबाउट मी कैसे आ रहा है देख सकते हो, कैटेगरी का ऑप्शन कैसे आ रहा है, यहाँ पे एड्स भी डाल सकते हो ऐसे आएगा। एंड देन यहाँ पे कैसे हवर इफेक्ट आ रहा है एक तो देख सकते हो यार, बहुत ही कूल हवर इफेक्ट आ रहा है। ओके देन नीचे चलते हैं, सी लोड मोर पोस्ट या फिर ओल्डर पोस्ट जैसे यहाँ पे क्लिक करता है तो सेम पेज पे आ जाते हैं पोस्ट। ओके देख सकते हो सेम पेज पे आ गए पोस्ट। ओके तो ये बेस्ट होता है बिकॉज लाइक हमको बाउंस मतलब बाउंस रेट कम मिलता है सेम पेज पे आ जाने से। ओके तो सेम पेज में लोड कर देता है सब। ओके एंड देन एक कूल सा चीज़ दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये कैसे एक तो हवर इफेक्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, मैं अगर ऊपर जाऊँ इसके तो देख सकते हो कैसे हवर इफेक्ट आ रहा है सब पे। ओके देन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट कोई भी नहीं है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, रिफ्लेक्स यस यहाँ पे ये सब चेंज होगा। ओके आपका ही ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके जो भी डोमेन पे डालोगे ऑटोमेटिकली। ओके देन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये रॉकेट का ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो, जैसे मैं उस रॉकेट पे जाता हूँ कैसे एक तो ऊपर की तरह आता है लॉन्च करने टाइप का। ओके तो मैं जैसे इसको ये क्या है गो टू स्टॉप नहीं होता क्या उस वही टाइप का है। ओके तो मैं जैसे इसको टैप करता हूँ देख सकते हो कैसे टॉप पे आ गया। ओके तो बैकग्राउंड सीएसएस देख सकते हो यार, मैंने मतलब तीन चार वीडियो बना लिया है ऐसे ही बैकग्राउंड सीएसएस पे, तो बहुत ही कूल लग रहा है। ओके नहीं देखा है तो चैनल पे चेक कर देना। ओके तो चलिए कोई भी पोस्ट को ऐसे ओपन कर दे लेते हैं, ऐसे ओपन कर दिया पोस्ट देख सकते हो कितना फास्ट लोड हो गया पोस्ट। ओके देख सकते हो यहाँ पे टाइटल लाइक एक तो आ रहा है थंबनेल कैसा आ रहा है एंड यहाँ पे उसके ऊपर भी टाइटल आ रहा है, यहाँ पे भी टाइटल आ रहा है, यहाँ पे भी टाइटल आ रहा है, तो टाइटल का तो मतलब बारिश हो गया। ओके तो खैर यहाँ पे कैसे लोड हो रहा है देख सकते हो, यहाँ पे एक ये इमेज पे कैसे एक तो सेग इफेक्ट है ये भी देख सकते हो एंड बहुत फास्ट लोड होता है लोडिंग मतलब गूगल एंड मतलब पेज लोड स्पीड भी दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे शेयर का बटन है, बहुत ही मतलब सिंपल सा शेयर बटन है, बिकॉज शेयर बटन में क्या होता है कि शेयर बटन मतलब एसयू के ऊपर इफेक्ट करता है लाइक लोडिंग स्पीड को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे शेयर बटन मतलब सिंपल सा दे रखा है। ओके देन यहाँ पे नॉर्मल कमेंट है, लाइक बहुत लोगों को इशू आता था वो मतलब डिस्कशन पे, तो मैंने नॉर्मल कमेंट दे दिया है अभी इसमें देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे डायरेक्टली कमेंट कर सकता है। ओके तो यहाँ पे कोई भी खास मतलब नीचे और कुछ है नहीं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये सब जी यू आई इंटरफेस है मैं दिखाऊँगा आपको। ओके देन यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर चलते हैं देख सकते हो, ये रहा रिफ्लेक्सियस देख सकते हो, फॉलो साइड कमेंट ये सब चेंज कर सकते हैं आप लोग, तो ये रहा देख सकते हो। तो ऐसे ही हुआ है, होम पे चलते हैं। ओके तो मैं इसका लाइक इसका मैं आपको गूगल पेज इनसाइट दिखा देता हूँ, गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट जो भी आप बोलो पेज इनसाइट। ओके तो मैं जो डायरेक्टली इसको ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, देन देखते हैं क्या स्पीड आ रहा है इसी पे लाइक अपना 50% SEO तो पेज स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं क्या स्पीड आता है, तो हम डेस्कटॉप वर्जन पे देखेंगे बिकॉज मोबाइल पे तो सभी का लाइक थोड़ा लो आता है, तो डेस्कटॉप वर्जन पे मेनली रैंकिंग का मतलब डेस्कटॉप पे ही चलता है, मतलब डेस्कटॉप पे अच्छा है तभी रैंकिंग आता है। तो मोबाइल पे 67 चलेगा एवरेज है बिकॉज मैंने जस्ट डेमो कंटेंट डाला है, आप अच्छा सा कंटेंट डालना जिससे ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो डेस्कटॉप वर्जन मेनली होता है। तो डेस्कटॉप पे देख सकते हो 97% आ रहा है गाइस, 97% तो 90% से ऊपर बहुत ही बेस्ट होता है, तो 97 तो टॉप क्लास है। ओके गाइस तो 97 पे कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली सभी पोस्ट रैंक हो जाएंगे, कोई इशू भी नहीं है साइट पे यहाँ पे, नहीं तो बता देता। ओके गाइस देखो सकते हो रिसोर्स ये सब आप मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने वगैरह लाइक यहाँ पे ये सब रिमूव कर सकते हो। ओके तो चलिए देखते हैं इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है ब्लॉगर में, तो
तो गाइस ये रहा इसका लाइक ब्लॉगर का डैशबोर्ड आ गया। तो चलिए लेआउट पे चलते हैं। लेआउट पे ऐसे जैसे क्लिक करता हूँ ओके गाइस, तो देख सकते हो रिफ्लेक्स सीएस प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट यहाँ पे दिखा रहा है। रिफ्लेक्स सीएस प्रीमियम टेम्पलेट देख सकते हो कैसे जीयूआई इंटरफेस है। कुछ लास्ट कुछ मतलब टेम्पलेट में मैंने जीयूआई इंटरफेस डाला नहीं था, तो इसमें फुल्ली जीयूआई इंटरफेस आप तो यहाँ पे से कुछ भी चेंज कर सकते हो, लाइक अबाउट मी का एंड ब्लॉग का एडिट का। यहाँ पे एड्स डाल सकते हो, एड सेंटर सब कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे नीचे भी फुटर एड फुटर लाइक वो जो फुटर में नहीं था क्या, इसको लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा ये फुटर, अब इजीली यहाँ से लाइक चेंज कर सकते हो उसको ओके, इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो ओके गाइस। बहुत ही मस्त जीयूआई इंटरफेस है। तो ये सब तो होता है, देख सकते हो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कैसा दिख रहा है। तो यही था यार इस वीडियो में, बेसिकली मैंने बताया एक मतलब एक कूल टेम्पलेट के बारे में। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गाइस, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस टेम्पलेट का लिंक, तो चेकआउट करना। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, नमस्कार।